नसरुल्लागंज क्षेत्र में पावर मैक कंपनी जो इन दिनों क्षेत्र में रेत माफिया बनी हुई है, आए दिन नसरुल्लागंज क्षेत्र में गोलियां चलना, विवाद होना एक आम बात बन गई है, जिससे लोगों के अंदर का डर का माहौल बना हुआ है। पावर मैक कंपनी अवैध उत्खनन कार्यों के द्वारा नर्मदा घाटों में एनजीटी की रोक के बाद भी खुलेआम जेसीबी मशीनों से पीला सोना यानी रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। खनिज अधिकारियों के संरक्षण में बेरोक टोक चल रहा है। रेत का अवैध कारोबार बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाबरी, ग्राम अंबा, डिमावर, नीलकंठ, छिपानेर में पावर मैक रेत कंपनी खुलेआम रेत का उत्खनन मशीनीकरण के माध्यम से करवा रही है। नर्मदा के घाटों पर बेरोक टोक चल रही है। पोकलेन जेसीबी से रेत के डंपर भरे जा रहे हैं। खनिज विभाग के द्वारा रस्म अदाई की कार्यवाही की जाती है। खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंचती नहीं, उसके पहले ही माफियाओं की उसकी खबर मिल जाती है, जिससे यह लोग घरों से दूर हट जाते हैं। खनिज विभाग द्वारा पिछले दिनों कार्यवाही की गई नीलकंठ घाट से हम जहां पर उन्होंने दिखावे के लिए मछुआरों की खाली कश्तियों पर कार्यवाही की गई एवं उनके इंजनों को जब्त कर लिया गया, वहीं पावर मैक रेत कंपनी सरयाम नर्मदा में जेसीबी एवं पोकलेन से रेत खुदाई करवा रही है। इस पर इन अधिकारियों का ध्यान नहीं गया। वहीं चीच नीलकंठ तिराहा चौराहे पर बना नाका, जहां से रोजाना लोग नर्मदा घाट पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु एवं ग्रामीणों का आना जाना लगातार लगा रहता है, जिससे वहां पर लगे जाम से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेत के ओवरलोड डंपर तेज स्पीड से निकलते हुए जाते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। परिचय, गोपाल शर्मा, प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी सीईओ। जिस तरह से बुधनी में रेत का जो खेल चल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में और शिवराज सिंह चौहान जी के संरक्षण में रेत का खेल चल रहा है। एनजीटीसी के रोक के बावजूद भी यहाँ मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन आप देख सकते हैं। मैं आग्रह पूर्वक शिवराज सिंह चौहान और खनिज विभाग के वरिष्ठ, प्रदेश के बड़े वरिष्ठ आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, वे यहाँ गुप्त तरीके से आए और वो देखें कि किस तरीके से खदानों से मशीनों के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन एनजीटीसी की रोक के बावजूद यहाँ पर चल रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, छिपानेर की खदान में अवैध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिले के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर इस रेत की खदान को चलाते हैं। रेत वहाँ से आती है और इटावा इटारसी पर पावर मैक कंपनी के गुर्गे यहाँ पर इस खदान को इस बुरी तरीके से चलाते हैं और यहाँ पर जो माइनिंग की जो रॉयल्टी दी जाती है वो बुधनी तहसील के जहाज पूरा की और दूसरे अन्य लोगों की दी जाती है। तो पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रेत का खेल पावर में कंपनी चल रही है। दादागिरी, गुंडागिरी और पूरी तरीके से ब्लैक का माहौल है।